मेरा नाम सुबोध है और हम एक संस्था से हैं संचय के नाम से। बेसिकली जो मकसद है वो हमारा कि इको फ्रेंडली चीज़ों को प्रमोट करें, उसमें हम तीन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं जिसमें मिट्टी के बर्तन हैं, जूट है और सोलर लाइट है। मगर ये सभी जो प्रोडक्ट वही हैं जो लोगों की आम जिंदगी से जुड़े हुए हैं। जैसे मिट्टी की चीज़ों में हम खास तौर से मिट्टी के बर्तनों को प्रमोट करते हैं। उसका कारण ये है कि मिट्टी के बर्तन में खाना खाने से आदमी स्वस्थ रहता है। दूसरा, मिट्टी की गुल्लक को प्रमोट करते हैं। उसका रीज़न है कि आजकल बच्चा जो है बर्गर में, पिज़्ज़ा में और उसमें पैसा डालता है, तो हम चाहते हैं कि वो कुछ पैसा जो है उस गुल्लक में डाले, जिससे कि बचत भी हो और प्लस एक हम उसको जो क्वार्टर्स हैं उसको हम प्रमोट कर सकें। और बेसिकली संचय का अर्थ वही है, बचत करना। तो बेसिकली जो है मकसद वही है। तीसरा, जो सोलर में भी हम लोग बच्चों की पढ़ने वाली लाइट जो है या लालटेन है, जो कई ऐसे गांव है हिंदुस्तान में आज भी जहां पे लाइट नहीं है, तो हम चाहते हैं कि जो हमें मदद कर रहा है संस्था को वो हमको पैसा ना दे, हमें हमारा प्रोडक्ट ले। उससे होगा कि उसका पैसा जो है उसको लगेगा कि मेरा सही जगह इस्तेमाल हुआ, हमारे लिए कि हमारा प्रोडक्ट है। तो विन विन सिचुएशन दोनों के लिए होता है। तो ये तीन चीज़ें खासतौर से हम लोग आगे प्रमोट करते हैं। तो फिर कहते ना, डिमांड जनरेट हो गई तो उसको किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में इतनी बड़ी है कि आप उसको भी नहीं पूरा कर पाए। तो हम लोग को जो दायरा है ना ग्रांट का, उस दायरे में अभी तक सोचा हुआ कि नहीं, उस नहीं आए उसके अंदर। लोग प्रोडक्ट लें, हमको प्रमोट करें, वो शायद हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा, कब से आप ये सब काम कर रहे हैं? कौन कौन घर में, फैमिली में सारे लोग ये काम? फैमिली नहीं है हमारी। बेसिकली मेरी जो डिग्री है वो मास्टर्स सोशल वर्क की है, बीए भी किया है, एमए भी किया है और 18 साल मैंने इंटरनेशनल एजेंसी में काम किया एज ए फंडर। हम लोग प्रोजेक्ट देते थे तो गाँव में बहुत घूमा हूँ, शायद ही देश का कोई कोना बाकी है जो मैं नहीं घूमा हूँ। तो घूमने के बाद ये पता लगा कि हमें जो है इन के लोगों को काम करना है। बेसिकली मैं ट्रेनर भी हूँ, गांव में एसजी जो बनते हैं उनको ट्रेन करना, किसानों को ट्रेन करना, उनको बताना, मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ाना। तो फैमिली में कोई नहीं है, मगर एज ए फैमिली मेरे फादर खादी ग्राम उद्योग भवन से जुड़े रहे।